उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर प्रवर समिति का गठन किया गया था, जिसकी एक बैठक पहले ही हो चुकी थी। वहीं आज दूसरी बैठक होनी थी, लेकिन इस बैठक में विपक्ष के विधायक समय पर ना पहुंचने के कारण बैठक स्थगित कर दी गई है। अब बैठक 11 अक्टूबर को सुबह 10 बजे प्रस्तावित हुई है। इस मामले में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि विपक्ष के विधायकों को लेकर साथ चलें और उनकी राय भी जानें, लेकिन उनके बिना अगर इस पर कोई फैसला लिया जाता है तो हो सकता है वह इनमें अपना अन्य कोई पक्ष रखें, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में हम इस पर कोई फैसला नहीं लेना चाहते थे, इसलिए इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने तंज करते हुए कहा कि शायद हो सकता है विपक्ष को यह मुद्दा गंभीर ना लग रहा हो, लेकिन अब इसके फैसले के लिए अगली बैठक बुलाई जाएगी। कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने समय पर न आने की बजाय ट्रैफिक और खटीमा से लेकर देहरादून के सफर को बताया, लेकिन बैठक अगर इस कारण वर्ष स्थगित होती रहेगी तो राज्य आंदोलनकारी को कभी न्याय नहीं मिल पाएगा। देखिए, आप जानते हैं कि जो अपने आंदोलनकारियों के क्षेत्रीय आरक्षण से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विषय जो प्रवर समिति जिसके लिए बनाई गई थी, एक बैठक हम कर चुके हैं। उसके बाद आज भी हमने बैठक रखी थी, क्योंकि माननीय अध्यक्षा जी से हमने इसके एक्सटेंशन का समय लिया था, उस दौरान हमें ये बैठक भी करनी थी। तो आज हमारे पास कोरम भी था, सभी लोग मौजूद थे, लेकिन विपक्ष के साथी उसमें नहीं थे। तो मेरे को लगा कि बिना उनके हम ऐसा निर्णय नहीं लेंगे, कल को फिर वो किसी प्रकार से कुछ और बात रखें, क्योंकि ये उचित प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सब लोग एक मंथन करने के बाद, एक विचार विमर्श करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। वो नहीं तो मेरे को लगा कि उनके बिना हम कोई मंथन न करें, तो एक उनके बात को हमने महत्व दिए, उनकी उनका रहना हमें ज़्यादा उपयोगी लग रहा था। अब वो किन कारणों से नहीं आए, सूचना उनको प्रॉपर थी, कन्फर्मेशन भी हमें मिली कि वो आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आए, तो हो सकता है उनको ये विषय गंभीर ना लग रहा हो, लेकिन हमने स्थगित किए, फिर अगली बैठक में एक जल्दी हम बुलाएंगे ताकि इस पर हम निर्णय ले सकें। मंत्री जी, लगातार कारण ये बताया गया है कि जो विपक्षी विधायक हैं, जो सदस्य हैं प्रवर समिति में, वो समय पर नहीं पहुँचे, तो किस तरीके से आप इसको लेकर? देखिए, आज प्रवर समिति की आंदोलनकारियों को लेकर बैठक थी, और बैठक की मैंने पूरी तैयारी भी उसमें कर रखी है। 2 बजे से बैठक थी, पिछली बार भी 3 बजे से बैठक थी, तो पिछली बार 3 बजे की बैठक 3:30 के आसपास शुरू हुई, क्योंकि जब कोई निकलते हैं तो रास्ते में ट्रैफिक व्रैफिक कहीं फंस जाना देर हो जाती है, और मुझे यहाँ से 370 किलोमीटर दूर से आना होता है। मैं खटीमा विधानसभा से विधायक हूँ, तो मुझे आने में 20-25 मिनट लेट हो गया। मैं ये नहीं कहता कि मैं 2 बजे पहुँच गया, मैं 2:25 पे 26 पे पहुँच गया, लेकिन शायद जो लोग हमसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे उनके नंबर मेरे पास नहीं थे, तो जो जब मैंने बताया कि मैं आ रहा हूँ, मैं जाम में फंसा हुआ हूँ, नज़दीक पहुँच गया, तो तब तक शायद ये डिसीजन ले चुके थे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मेरी मंशा या उनकी मंशा, ये एक ट्रैफिक जाम के वजह से थोड़ा लेट होने के कारण ये निरस्त हुआ, और इसको इमीडिएट अभी हम फिर मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट करी, हमने परसों सुबह 10 बजे का समय इसका दिया है, एक परसों 11 तारीख को, तो उस पर उसके बाद जो है कि 11 तारीख को बैठक। विधायक जी, प्रधान